हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। फैक्टोलॉजी में आज का इंटरेस्टिंग सवाल है कि नमक से ब्लड प्रेशर होता है और चीनी से डायबिटीज, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक क्या है, नमक या चीनी? इसका जवाब परिस्थितियों पर आधार रखता है। पहले समझते हैं कि अगर हम चीनी और नमक को अपनी डाइट से पूरी तरह निकाल देते हैं तो क्या होता है। अगर हम चीनी का उपयोग अपने डाइट में से पूरी तरह बंद कर देते हैं तो अभी हम शरीर के कार्बोहाइड्रेट की जरूरत दूसरे खाने पीने की चीजों से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि चीनी से हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। पर अगर नमक की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिनों तक नमक ना दिया जाए तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है या फिर कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि पूरे शरीर को एक्टिव रखने के लिए नमक बेहद ही जरूरी है। नमक की कमी हाइपोनाट्रेमिया नाम की मेडिकल कंडीशन खड़ी कर सकता है, जिसमें चक्कर आना, सिर दर्द होना, थकान, कमजोरी और यहाँ तक कि चितभ्रम भी हो सकता है। व्यक्ति का जो टोटल वेट होता है उसमें 0.4% नमक होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है तो उसके शरीर में 0.4% के हिसाब से 200 ग्राम नमक मिलेगा। अब अगर बात करें ज्यादा मात्रा में चीनी और नमक खाने की, तो अगर कोई व्यक्ति जरूरत से सैकड़ों ग्राम चीनी ज्यादा खा लेता है तो भी उसकी सेहत पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उतनी ही मात्रा में अगर नमक खा ले तो किडनी पर गंभीर असर हो सकता है, यहाँ तक कि किडनी फेल होने का खतरा भी रहता है। उम्मीद है आज के इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर आप आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।